Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम टू अड्डा 247 का स्वागत है। और हम बात करेंगे सर आपके आज के टॉपिक पर, यानी कि आपको पता है कि भाई ऑन डिमांड, आपकी डिमांड पर ही हम लोग कंप्यूटर कैप्सूल डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को 40 और 40 प्लस कर यानी 80 क्वेश्चंस दिए थे, जो आपके एग्ज़ाम के जो प्रीवियस पेपर हुए हैं उनमें वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो आई होप कि वो सारे क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो भाई उसका फिर मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है, इस पर बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये टाइम ऐसा है सर आपका कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं फिर यार, राइट? क्योंकि अब पढ़ना है तो करना है यार। और अगर भैया बताना है कि भैया इस समय आप लोगों का बहुत ही पीक टाइम चल रहा है कि भाई सिलेक्शन लेने के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि मेंस का पेपर कर बार बार मौका नहीं मिलता। तो जिन बच्चों का पेपर मेंस का है, जीयर कंप्यूटर जिन बच्चों ने तैयार कर लिया, बेड़ा पा रहे भैया। 60 नंबर हैं आप लोगों के पास, 60 मार्क्स, जिसमें आप लोगों को 40 को जीए से मिलने वाले हैं और 20 मार्क्स आपको कंप्यूटर सेक्शन से मिलने वाले हैं। हाईएस्ट कट ऑफ रहता है कंप्यूटर सेक्शन का, बता चुका हूँ पहले ही। तो भाई जल्दी से फटाफट जुड़ जाइए मेरे साथ यहाँ पर, और काफ़ी बजे जुड़ चुके हैं यहाँ पर। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे श्याम सुंदर एंड धनंजय श्याम सीमा और तरुण बाबूलाल जी हैं और धनंजय हैं, श्याम सुंदर जी हैं। तो भाई आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो भाई बच्चों क्या करना है, फटाफट से लिंक को लाइक करना है और शेयर कर देना है, राइट? अभी हमारा वीडियो स्टार्ट ही हुआ है और हमारे पास 2 डिसलाइक भी आ चुके हैं, यानी बच्चे हमारे काफ़ी ऐसे भी हैं जो डिसलाइक भी कर देते हैं पहले से, आने से पहले से ही, ठीक है? चलो प्यारा है बच्चों का। तो भाई आप सीधे हम बात करते हैं अपने पॉइंट पर, डिस्कशन पे आते हैं। तो भाई आज मैं बात करने वाला हूँ आपको ऐसे टॉपिक पर जहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं बड़े प्यार से, वो बहुत जल्दी। टाइम कम है और हमारे पास टास्क बहुत है, काम बहुत है, यानी पढ़ाई बहुत है, ठीक है? तो भाई सीधे आते हैं पॉइंट पर। तो बच्चों फटाफट से क्या करना है, लाइक एंड शेयर फटाफट से जल्दी से कर दो, बच्चों को जल्दी से जोड़ना है भाई हम लोगों को, ठीक है? चलिए तो दिखाइए सर, मिला यहाँ पे पहला आपका जो है पॉइंट। तो देखो यार ये बनता है आपका, यहाँ पर मैंने कहा था आपसे कि अब लास्ट क्लास के अंदर जो भी मैंने बताया था आपको कि भाई आप लोग वो जो MCQs हैं कवर कर लिए होंगे आप लोगों ने, मैंने उनके आंसर हाईलाइट कर रखे थे। और जिन बच्चों ने मुझसे PDF मांगा है, इसका लिंक मांगा है, मैंने कल वाली वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में उस लिंक को भेजा भी है। आई होप से सारे बच्चों ने देख भी लिया होगा, ठीक है? सीमा देखो यार ये हिंदी में नहीं है, ये पूरा कंटेंट आपका इंग्लिश में ही है, ठीक है? हिंदी में मैं आपको पूरा इसको एक्सप्लेन करूँगा, आप ये समझिएगा कि पूरा हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा और एक्सप्लेन पूरा जो होगा वो हिंदी में ही होगा, ठीक है? तो जिससे दोनों बच्चे हमारे क्या करेंगे, इसको प्रॉपर करवाएंगे। सर कैप्सूल कब देंगे, ग्रुप में कहाँ से ऐड होंगे? भाई ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको एक नंबर दे रखा है मैंने, ठीक है? उस पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा वहाँ पर। लेकिन अगर आपको बता दूँ मैं कि आप लोग देखोगे तो अगर जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं भी हैं तो उनके लिए मैंने लिंक दे रखा है नीचे, जो यहाँ पर मेरा वीडियो है जो कल वाला, उस पर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है? तो सर आते हैं हम लोग पॉइंट पर। पहला ये है हमारा, देखो हिस्ट्री का पॉइंट है सर आपका यहाँ पर। तो देखो यार हिस्ट्री की बात करूँ मैं सबसे पहले, तो आपको ध्यान रखिएगा फादर ऑफ कंप्यूटर किसी का आ गया, ठीक है? तो वो हमारा चार्ल्स बेबेज, सब लोग जानते हैं कि भाई चार्ल्स बेबेज जो है हमारे वो फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाने गए हैं। लेकिन आपको बता दूँ मैं सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो ये रहता है कि इसके अंदर बता दूँ कि भाई सबसे जो अर्लीस्ट जो डिवाइस नाम दिया गया वो कौन था आपका, अबेकस था सबसे अर्लीस्ट। या तो उसने ये पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे अर्लीस्ट डिवाइस कौन सा था, अबेकस था, जिसमें आपने देखा होगा बच्चों को खेलने का इस तरह से आपका होता था, है ना? सॉरी ये आपके इस तरह से इसके अंदर काउंटिंग करने के नंबर होते थे, है ना? बिल्कुल अच्छे समझाएंगे यार, टेंशन मत लो, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखें अगर सर, तो पहला पॉइंट मेरा यही बनता है आपका कि भाई हिस्ट्री के अंदर आपको समझना क्या केवल कि फादर ऑफ हमारे कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज। लेकिन ध्यान रखना अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कौन है, फादर ऑफ PC, तो नाम आता है आपका ED रॉबर्ट। क्या नाम आएगा, ED रॉबर्ट, फादर ऑफ PC पर्सनल कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ PC ED रॉबर्ट, ठीक है? ये पॉइंट बन जाता है। तो भाई यहाँ पर जो पॉइंट बनता है मेरा आपका, देखोगे आप तो देखो डिफरेंस इंजन निकाला आपका चार्ल्स बेबेज ने, फिर आपका एनालिटिकल इंजन जो है वो भी चार्ल्स बेबेज का था, बाकी ये आपकी एनिक है,
एडसेक है, एडवेक है और यूनिवेक है। इनकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं फुल फॉर्म इनकी। जैसे एनी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जिसको बनाया है आपका जॉन मुचली एंड जे प्रिंसिपल एकर्ड ने। तो ये फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। एडसेक है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, राइट। तो जॉन वॉन न्यू ने बनाया इसको, जो कि फर्स्ट स्टोर प्रोग्राम था। एडवेक कहता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, राइट। तो यहाँ पर देखें अगर आप सर, तो ये आपका जो है जॉन मुचली एंड जे प्रिंसिपल एकर्ड ने बनाया था। और यूनिवेक बनता है आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, क्या फुल फॉर्म है इसका, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बिल्कुल। और ये बनाया है आपका यहाँ पर इन आपका जॉन मुचली एंड जे प्रिंसिपल एकर्ड ने, जो फर्स्ट जनरल पर्पज संपादक कंप्यूटर था जो कॉमर्शियल में यूज़ हुआ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं सर, तो जिनको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आराम से तरीके से, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और MCQ भी मैं कराता रहूँगा आप लोगों को, टेंशन मत लेना यार। लेकिन ये क्वेश्चन तो डिस्कस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों फटाफट से और बच्चों को भी जोड़िए अपने साथ, जिससे कि बिल्कुल सारे बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं और वो इसका फ़ायदा उठाएं क्लास का यार, ठीक है। सोन सोनी कह रहे हैं सर सीमा बड़े हिंदी और कुछ नहीं समझ आएगा, ये जी नहीं कंप्यूटर है। हाँ बिल्कुल यार, तो ये कंप्यूटर है आपका, हिंदी में वो दिक्कत होगी, आप इसको इंग्लिश में समझने की कोशिश करो, लेकिन मैं हिंदी में समझाऊंगा ना आपको, सारा एक्सप्लेन आपको हिंदी में ही करूँगा, ठीक है। चलिए अब सर आपका आता है इंटेल का, ये सबसे पहला प्रोसेसर था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सर, जो आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना आपके लिए, वो ध्यान रखिएगा कि आपके जो पेपर होने वाला है 13 अक्टूबर को सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये समझ लेना कि कम से कम 15-20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको इस क्लास से आज, ठीक है। काफ़ी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। इंटेल का सबसे पहला जो प्रोसेसर था वो, या मैं ये कहूँ कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो वो क्या था, इंटेल 4004 था, जिसको इंटेल ने बनाया था, और फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर जो 4 बिट पर काम करता था। ये भी इसका इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है कि ये 4 बिट पर काम करता था। और बता दूँ मैं आपको कि माइक्रो प्रोसेसर जो आपके आई है वो किस जनरेशन में यूज़ हुई है, 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का जो यूज़ हुआ है, या हम ये कहें कि माइक्रो प्रोसेसर जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो किस में आया है आपका, 4th जनरेशन, ठीक है। चलिए आगे, तो मैं इसमें भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी मैं डिस्कस करूँगा, बाकी चीज़ों को मैं इतना डीपली नहीं लूँगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, ये है आपका एनेक, जिसका लिखा हुआ है कि एनेक वाज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। ये इसका एक और क्वेश्चन बन जाता है कि भाई एनेक जो है हमारा क्या है, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा किसने बनाया है, और इसके अंदर एक और खास बात, ये क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन यहाँ नहीं पूछा जाएगा, बैंक में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, इट यूज 18,000 बैंक क्यू ट्यूब। जब सबसे पहले यूज़ हुआ था ये, तो ये पेपर आया, क्वेश्चन आया था इंश्योरेंस के पेपर में, उसमें पूछा गया था LIC इंश्योरेंस में के अंदर कि सबसे पहले जो कंप्यूटर था एनेक, उसने कितने वैक्यूम ट्यूब को यूज़ किया था। तो भाई 18,000 वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी इसके अंदर सबसे पहले, कितनी, 18,000, ठीक। दूसरा पॉइंट कहता है आपका, यहाँ पे देखें अगर आप जनरेशन की अगर बात करूँ सर आपको यहाँ पर मैं, ठीक है, तो सीधे हम जनरेशन पे आते हैं। जनरेशन का कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ये कहता है, इसमें आपको जो याद रखने वाली चीज़ वो क्या क्या है वो समझ लीजिएगा, पहला कि फर्स्ट जनरेशन जो आपकी आई, ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन थी ये रही आपकी, इसमें आपको कुछ ये डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो आपको अलग अलग मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये डेट ऑफ बर्थ, तो इस पर इतना ध्यान नहीं देना, इसमें कुछ नहीं बनता कि भाई डेट ऑफ बर्थ क्या रही है, किस जनरेशन कहाँ से कहाँ तक आई। जो मेन पॉइंट है वो ये रहता है कि किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया आपकी जनरेशन के अंदर, फर्स्ट में क्या आया, सेकंड में क्या आया, थर्ड में क्या आया, फोर्थ में क्या आया। ये एक्चुअली में होता क्या है कि अब तक जो हमारे कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ, जो विकास हुआ है, उसके अंदर किस तरीके से किस जनरेशन में क्या यूज़ हुआ, या फिर हम ये कहें कि आखिर अब तक जो वेवल्यूशन हुआ है वो क्या क्या हुआ, तो उसको अब तक की 5 जनरेशन में डिवाइड कर दिया गया, उसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, कितनी, 5। लेकिन ध्यान रखिएगा अंडर डेवलपमेंट जनरेशन कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अंडर डेवलपमेंट तो 6 होगी या फिर 5th ही है अभी, तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो जो अंडर डेवलपमेंट जनरेशन है वो है आपकी अभी भी 5th ही है। तो फर्स्ट में आया आपका वैक्यूम ट्यूब, फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुआ सर, वैक्यूम ट्यूब, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड में क्या यूज़ हुआ, ट्रांजिस्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड में क्या आया, IC इंटीग्रेटेड सर्किट, ध्यान रखिएगा। फोर्थ में आपका आया माइक्रो प्रोसेसर, क्या यूज़ हुआ, माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ में आपका आया आपका AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
ठीक है। अब इसके बाद आप देखोगे सर कि यहाँ पे लिखा हुआ VLSI और यहाँ लिखा हुआ ULSI। इससे पहले आपको बता दूँ मैं कि थर्ड जनरेशन में आपका SSI और MSI का यूज़ हुआ। एक्चुअली में सर जो हमारा प्रोसेसर यूज़ हुआ या IC यूज़ हुई उसका साइज छोटा करने के लिए और नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर को इंक्रीज करने के लिए हमने स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन SSI यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ हुआ, और उसके बाद में आपका मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ हुआ MSI। लेकिन जब हम फोर्थ में पहुंचे तो फोर्थ में हमारा क्या हो गया VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ हो गया। ये ऐसे पूछा जा सकता है टेक्नोलॉजी वाइज कि भाई VLSI का यूज़ किस जनरेशन में यूज़ हुआ, तो फोर्थ में। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका यूज़ कहाँ हुआ, फिफ्थ में यूज़ हुआ। ठीक है, तो सर आई होप कि यहाँ पर आप लोगों को जो पॉइंट समझा रहा हूँ, अक्षय, पायल, आरती, सीमा एंड श्रेया, धनंजय, अक्षय, ये सारे बच्चे समझ रहे होंगे पॉइंट्स को। और अगर समझ में आ रहा हो तो सर चीज़ें क्या करना है, बस अपना थंब दिखाना है कि सर एक्चुअली में पॉइंट क्लियर है, एक्जैक्टली सब कुछ समझ में आ रहा है। कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, तो सर डायरेक्टली यहाँ पर कमेंट से पूछ सकते हैं। लाइव क्लास चल रही है सर, लाइव क्लास का यही फायदा होता है कि जो चीज़ हमारे साथ लाइव जुड़े होते हैं वो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को देख रहे होते हैं लाइव। ठीक है, तो भाई यहाँ पर जुड़िए फटाफट से, लास्ट मोमेंट चल रहा है यार, तैयारी करनी है कंप्यूटर की, और भाई 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। सर ध्यान रखना, गलती से भी ऐसा नहीं करना है कि यार ऐसा दर्द मिले आप लोगों को कि सर किसी को बता भी ना पाओ। कंप्यूटर सेक्शन ऐसा ही है सर, कट ऑफ अच्छी खासी जाती है, यानी कि 40 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तो आपको इस समय से आपको 30 क्वेश्चन 30+ सही करना पड़ेगा, 30+ सही, तब आपकी कट ऑफ क्लियर होगी। इसके अंदर PDF का लिंक मैंने भेज दिया भाई, ठीक है। चलिए सर, प्रतिभा कह रही सर क्लियर है, वेरी गुड, मैक्स लक्ष्मीपति क्लियर है, कैप्सूल का PDF सर मैं भेज चुका हूँ। लास्ट वीडियो मेरी जो है उसमें, जो कल की वीडियो जो हुई है उसमें मैंने लिंक भेज दिया है इस PDF का। क्लिक करेंगे आप सीधे बैंक सेंटर पहुँचेंगे, वहाँ से इसका डाउनलोड कर सकते हैं आप, सारे बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो भाई ये तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो मेमोरी कैपेसिटी है या प्रोसेसिंग स्पीड है इस पर ध्यान मत देना। हाँ, इस पर जो ध्यान दे सकते हो आप, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो भाई देखो, फर्स्ट जनरेशन में हमारा क्या यूज़ हुआ, असेंबली लैंग्वेज यूज़ हुई और मशीन लैंग्वेज का यूज़ हुआ। ठीक है, मशीन मतलब 10101 का यूज़ हुआ। और सेकेंड में हमारा जो है हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ हुई है, जिसमें फोरट्रेन है, कोबोल है, ये यूज़ हुआ। C++ आपके थर्ड में आए, C++, जावा ये आपके थर्ड में और फोर्थ में आ गया, और सारे के साथ जितने भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हैं वो आपकी फिफ्थ में अभी भी यूज़ हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से जनरेशन पे बस क्वेश्चन मिल सकता है। अच्छा, एग्जांपल पूछ सकता है कंप्यूटर के, ये क्वेश्चन आता आता है। तो भाई यूनिवेक है, एडसेक है, या फिर आपका एनिक है, ठीक है, या फिर आपका IBM 701 है, ये सारे एग्जाम्पल आपके किसके हैं, फर्स्ट जनरेशन के हैं। सेकेंड जनरेशन का एग्जाम्पल आपका IBM 1401, IBM 7090, CDC, ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं आपके, सेकेंड जनरेशन के हैं। थर्ड के एग्जाम्पल आपका ये रहा, फोर्थ का आपका आ गया कौन, PC पर्सनल कंप्यूटर। फोर्थ का एग्जाम्पल क्या था आपका, PC पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है सत्यवीर, कोई दिक्कत नहीं, लेट हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लवली कुमारी कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं, क्या पूछनी क्वेश्चन, थोड़ा दोबारा पूछिएगा। ठीक है, और AI का यूज़ हुआ आपका, रोबोट जो एग्जाम्पल है भाई आपका, वो किसका है, फिफ्थ का है। और रोबोट तो सर आपको पता होगा कि अब आपको इसको सिटीजनशिप भी दे दी गई है सऊदी अरब के थ्रू। क्या नाम है उस रोबोट का, फटाफट से बताओ, जिसको सिटीजनशिप दी गई है उस रोबोट का नाम क्या है, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट से। यहाँ पर प्रतिभा एंड लवली कुमारी कह रही सर एग्जाम में हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करने पर कंप्यूटर के क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे ना। देखो यार, ध्यान रखना कि अगर आप हिंदी सेलेक्ट करती हैं तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे वो आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज इंग्लिश में आएगी, वैसे हिंदी में लिखा होगा कंप्यूटर, अब कंप्यूटर जो वर्ड है वो कंप्यूटर कंप्यूटर में लिखा होगा, संगणक लिखा नहीं आएगा वहां पर। ठीक है, सोफिया, वेरी गुड, यहां पे मेरा सत्यवीर का आंसर आया था, सोफिया नाम था। सुनील भी आंसर दे रहे हैं सोफिया, वेरी गुड, और राजकुमारी आंसर दे रही है एंजेला, वो भी सोफिया, वेरी गुड सर, सोफिया नाम था उस कंप्यूटर रोबोट का जो सबसे पहले आपका यूज़ हुआ था सऊदी अरब में, जिसको सिटीजनशिप दिया गया है। ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, याद पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो क्या करना पड़ेगा यार, लिंक को भाई लाइक एंड शेयर करो यार। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बच्चे 100 बच्चे सर लगभग देख रहे हैं यहाँ पर, और केवल अभी 63 लाइक किया बच्चों ने, तो भाई बाकी बच्चों लाइक इसको फटाफट से करिए इधर,
जल्दी से लाइक करो इसको, जिससे कि आप लोग जो बच्चे देख रहे हैं वॉच कर रहे हैं उतने लाइक तो मुझे यहाँ पर होनी चाहिए यार, ठीक है। अगर पसंद नहीं है तो डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है यार, लेकिन अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब सर यहाँ आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पर, क्लासिफिकेशन करते हैं कंप्यूटर का। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है सर आपका यहाँ से, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर आपका यहाँ पर सुपर कंप्यूटर से। उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं सुपर कंप्यूटर से। तो भाई यहाँ पर देखिए आप लोग, तो सुप क्लासिफिकेशन क्या है कंप्यूटर हम देखें अगर सर, तो भाई कंप्यूटराइजेशन मेथड की वजह से देखा जाए तो कंप्यूटर आपके तीन टाइप के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। लेकिन हम साइज एंड कैपेसिटी देखें तो यहाँ पे सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो दे दिया इन्होंने। लेकिन सर हम सीधा समझेंगे इसको इस तरीके से कि आपका जो कंप्यूटर क्लासिफिकेशन है वो आपका एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड ही होता है। अब ये जितने भी आपके कंप्यूटर हैं कौन कौन से, सुपर है, मेन फ्रेम है, मिनी है, माइक्रो, ये सारे सारे किस में आते हैं आपके, डिजिटल में आते हैं। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। किसके हैं, डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं भाई, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर में कौन कौन से आते हैं, तो देखो पहला समझो एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं, ऐसे कंप्यूटर्स आपके होते हैं सर जो हम लोग जिसमें आप देखोगे तो कंटिन्यूस पल्स पे काम करते हैं। ये जो कंप्यूटर पर कैसे हैं जो कंटिन्यूस पल्स पे काम करते हैं, जिनका यूज़ होता है आपके कंटिन्यूस पल्स पे काम करना, भले वो स्पीडोमीटर हो, ठीक है, या आपका वोल्ट मीटर है, थर्मोमीटर है, ये सारे कैसे कंप्यूटर हैं आपके जो एनालॉग पे काम करते हैं। लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं हमारे, ये वाले, ये डिस्क्रीट पे काम करता है, और डिस्क्रीट होता है आपका 1010010 वर्ष के फॉर्म पे काम करना। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है आपका, 1010 के कॉन्सेप्ट पे काम करना। कोई भी डाउट क्लियर अगर दिक्कत है तो पूछ जरूर लेना भाई आप, ठीक है, टेंशन मत लो, सब कुछ बताऊंगा, सारे पॉइंट क्लियर कराऊंगा आप लोगों को यार, एक एक चीज क्लियर करा दूंगा, लेकिन बस आपको पेशेंस रख करके समझना है, बने रहना है यहाँ पर। यहाँ से अगर चले जाओगे सर तो फिर समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, बस समझ रहे हैं आप, बने रहो पेशेंस के साथ तो ऑटोमेटिकली चीज़ें अपने आप क्लियर होने लगेंगी आने वाले टाइम पर, बहुत जो है चीज़ें आपकी क्लियर अपने आप हो जाएंगी। तो भाई यहाँ पर ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, तो डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड क्या भाई, दोनों का कॉम्बिनेशन है एनालॉग और डिजिटल का, ठीक है। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, दिखा होगा हॉस्पिटल्स में हार्ट बीट को मेजर करने काम आता है, कौन, ईसीजी। ऐसे लाइन चलती है इस तरीके से, है ना, लाइन अगर सीधी तो बंदा ऊपर, वो कौन से है भाई आपके, हाइब्रिड होते हैं, ईसीजी है, एमआरआई है, तो दोनों के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। लवली कुमारी कह रही है सर, मतलब सर जैसे कि मैथ रीजनिंग सब हिंदी में इंग्लिश दोनों में होते आते हैं, कंप्यूटर इंग्लिश में इन दोनों में आएंगे, बिल्कुल हाँ, ठीक है। चलिए हाइब्रिड भी बताओ सर, हाँ हाइब्रिड बता दिया मैंने आपको, ठीक है। लखपति हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरसी शर्मा कह रही है एम्बेडेड कंप्यूटर इन वॉच, देखो एम्बेड कंप्यूटर जो होते हैं हमारे वॉच में आता है, बिल्कुल सही बात है, तो वो हमारे एम्बेड में आते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे कंप्यूटर के टाइप्स थे कुछ। तो क्लासिफिकेशन बात करूँ मैं अगर ध्यान रखना, तो तीन टाइप के होते हैं एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग में कौन से आ गए, ऐसे कंप्यूटर जो कंटिन्यूस पल्स पे काम करते हैं, डिस्क्रीट आपके जो डिजिटल कंप्यूटर हैं वो कौन से होते हैं, जो डिस्क्रीट पल्स पे काम करते हैं, जैसे मेन फ्रेम है, सुपर कंप्यूटर है, मिनी है, माइक्रो है, सारे किसके एग्जाम्पल हैं हमारे डिजिटल कंप्यूटर के, और सर हाइब्रिड में जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अच्छा अब हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर का, जो है सुपर कंप्यूटर किस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो देखो सुपर कंप्यूटर की जब बात आती है तो देखो ये रहा आपका सुपर कंप्यूटर जो यूज होता है हमारा, वो कहाँ यूज होता है भाई, सबसे ज्यादा इसका यूज होता है आपका सुपर कंप्यूटर सबसे मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है आपका, कैसा है, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, ठीक है, ध्यान रखना। सबसे जो मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर हमारा कौन सा है, वो सुपर कंप्यूटर होता है, जिसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं भाई आपका, वेदर फॉरकास्टिंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, या फिर साइंटिफिक रिसर्च में इसका यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, अभी पेपर हुआ था उसमें वेदर से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया, वेदर को यूज़ करने के लिए हम कौन सा कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है। दूसरा, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था भाई, ये बताइए मुझे, यहाँ पर बहुत से बच्चे जुड़ चुके हैं मेरे साथ, तो मुझे बताइए भाई सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, और पूरा नाम बताना मुझे, आधा नाम नहीं पूरा नाम, परम, यहां पे हर्षिता गुप्ता बता रही है सर परम होगा, परम था यार, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, परम, पूरा नाम क्या है उसका, मैं पूछ रहा हूं कि पूरा नाम क्या है सुपर कंप्यूटर का, पूरा नाम पूछा जा रहा है आपसे, जल्दी बताओ फटाफट से, टाइम कम है यार, इसलिए कह रहा हूं जल्दी चलना है हमें। तो पूरा नाम था सर उसका परम 8000, ध्यान रखना, सीडेक
कंपनी है, पुणे में इसका हेड ऑफिस है, वहाँ पर उसने बनाया था। सीडे का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग। क्या फुल फॉर्म है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, ये तो था सर सबसे इंडिया का पुराना, लेकिन वर्ल्ड का सबसे जो पुराना या सबसे ओल्डेस्ट सुपर कंप्यूटर था वो क्या नाम था? क्रेवन, ध्यान रखना, जिसको बनाया था यूएसए ने। किसने बनाया? यूएसए ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, क्रेवन, 1976 में। ठीक है, लेकिन अभी इस समय सबसे लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है वर्ल्ड का, जो सबसे फास्ट है और सबसे लेटेस्ट है, उसका नाम बताइए फटाफट से भाई, क्या नाम है उसका? देखता हूँ किसकी बच्चे की हमारे यहाँ पे जी बड़ी अच्छी चल रही है, देखता हूँ करंट किसकी अच्छा है, मुझे नाम बताइए सबसे जो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है आपका वो उसका नाम क्या है, वर्ल्ड का सबसे लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर। हाँ, क्रेवन हो गया। सुपर कंप्यूटर की स्पीड फ्लॉप्स में मेजर होती है, बिल्कुल यार क्या बात है, मिस्टर 360 आंसर दे रहे हैं हमें, और बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया उन्होंने कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड फ्लॉप्स में मेजर की जाती है, बिल्कुल सही बात है भाई, फ्लॉप्स में मेजर होती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड में। बट मेरा क्वेश्चन क्या था भाई अभी आपका, कि सबसे इस समय लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सनवे, अक्षय सनवे नहीं है अब, माहिर कंप्यूटर फॉर वेदर फॉरकास्टिंग। सबसे इस समय लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है आपका वो IBM समिट है, नाम लिख दे रहा हूँ कब, यहाँ पर ये रहा IBM समिट। ठीक है, जो यूएसए के पास है ये भी IBM समिट। ठीक है ना, सबसे लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है। चलिए चलिए, तो ये बहुत हो गया आपका, देखो ये लिखा हुआ है नाम परम 8000 लिखा हुआ है आपका, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर सीनेक ने बनाया था इसको। ठीक है, इसके बाद इसमें अब देखो सर्वर क्या होता है, वर्क स्टेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या है, एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं, तो भैया एम्बेडेड सिस्टम क्या है लिखा हुआ है, पॉइंट अच्छा इंपॉर्टेंट है, इज अ कंप्यूटर सिस्टम विद डेडिकेटेड फंक्शन विद अ लार्ज सिस्टम, यानी सर ऐसा सिस्टम जिसमें एक परमानेंट फंक्शन होता है वो हमारे एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अपनी वॉच देख ली, मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं बहुत सारे, जिसमें हम लोग सीधा एक ही बार में डाल दिया जाता है सॉफ्टवेयर, बार बार उसको रिकॉन्फ़िगरेशन करनी नहीं पड़ती, या फिर आप लोग देखा होगा खासकर जो आपके जैसे हम क्या कह सकते हैं, PDB कह सकते हैं उन्हें हम लोग, PDA पाम टॉप। ठीक है, PDA जो कंप्यूटर होते हैं हमारे छोटे होते हैं, जैसे आप लोगों को स्वैप कार्ड स्वैप करते हैं मशीन से आप, ठीक है, या फिर आप लोग इलेक्ट्रिकल बिल मिलता है, ठीक है, मशीन से निकाल दिया जाता है, तो वो हमारे PDA कराते हैं पाम टॉप। ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, तो उसमें क्या होता है आपकी जो प्रोग्रामिंग होती है फिक्स कर दी जाती है। ठीक है, तो ऐसे कंप्यूटर क्या कहलाएंगे हमारे, आपके एम्बेड कहलाते हैं। ठीक है भाई, तो ये था कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जो आपके आपके हिस्ट्री जनरेशन से पूछ लिया जाता है। अच्छा, एक प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे, जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है हमारे, चार्ल्स बेबेज हैं जिन्होंने हार्डवेयर बनाया, तो भाई कोई मदर है कंप्यूटर की, मदर ऑफ कंप्यूटर इसे किसे कहा जाता है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि भाई सबसे पहला प्रोग्रामर कौन था, सॉफ्टवेयर जिसने पहला बनाया था उसका नाम क्या था, क्या नाम बताएंगे भाई, बताइए जल्दी बराबर से, जिसने सबसे पहला प्रोग्राम बनाया क्या नाम था उसका, जल्दी से बताने की कोशिश करें भाई, टाइम कम है हमारे पास, तो उसका नाम मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, लेडी एडा अगस्ता, सी वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामर, लेडी एडा अगस्टा वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामर, बिल्कुल। ठीक है भाई, तो सर यहाँ तक क्लियर है पॉइंट, ये पॉइंट हमारे आई होप सारे क्लियर होंगे आप लोगों के। अब हम कुछ बात कर लेते हैं सर आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस पर, यानी कि हार्डवेयर पर, जो हार्डवेयर कॉन्सेप्ट है हम उस पर बात कर लेते हैं अब। ठीक है, तो देखो यार हार्डवेयर की बात करें सर हम लोग, तो वजरा मुझे दिखा दो एक बार जरा स्क्रीन पर, इतने जो डिवाइस, ऐसी डिवाइस जो आपके जिन्हें आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, क्या कहलाएंगे वो आपके, हार्डवेयर कहलाते हैं। जिन्हें आप टच नहीं कर सकते या छू नहीं सकते, क्या कहलाएंगे आपके भाई, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक मैंने डिस्कस नहीं किया था आपके सिलेबस उसमें क्लासेस में, तो मैं इसलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा तसल्ली से बताने के मूड में हूँ, जिससे कि आपका कोई डाउट नहीं हो और यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो बच्चों आप देखिए ज़रा, जिन पार्ट को टच कर सकते हैं, आप छू सकते हैं, क्या कहलाएंगे वो आपके, हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक्सेप्ट डेटा, वो तो आपको पता ही है। ठीक है,
लेकिन हम जब भी बात करते हैं आपके इसके डिवीजन की, ठीक है, या कैसे इसको कैटराइज किया गया है, तो भाई हार्डवेयर को हम लोग फोर पार्ट में कैटराइज करते हैं, चार कैटेगरीज में दिखा हुआ है कंप्यूटर हार्डवेयर ये रहा, जिसमें एक आपका इनपुट डिवाइस, एक आपका प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस में क्या आता है, आपका कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है, टच पैड है, टच स्क्रीन है, माइक्रोफोन है, वेब कैमरा है। या वेब कैमरा जो है इनपुट है या आउटपुट है या बोथ है, ये क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पर कि ये आपका इनपुट है या आउटपुट है या बोथ है, क्या कहेंगे इसे आप? पीडीएफ जो है मैं आपको वीडियो के लिंक में दे चुका हूँ, नीचे कमेंट पे जाके देखिएगा, आपको मिल जाएगा वीडियो का पीडीएफ। तो मैं जल्दी बताओ फटाफट से, यहाँ पर देखो यार, ये जो कैप्सूल है ना, मैं आपकी डिमांड पे लेके आया हूँ, ठीक है। मैं एमसीक्यू भी ला सकता था, लेकिन आपने डिमांड किया सर कंप्यूटर कैप्सूल डिस्कस करिए, लेके आइए, तो भाई आपकी डिमांड पे आया है, तो इसको ध्यान से समझिए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। यहाँ पर लिंक को फटाफट से शेयर करिए और भाई लाइक भी करिए, और जो नए बच्चे हैं हमारे ऐसे जिन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं, तो वो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि सारे बच्चे यहाँ पर आके देख सकें और उनको लिंक मिलता रहे, उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो भाई ये सारे के सारे मुझे आंसर दिया बच्चों ने, इनपुट दिया है यहाँ पर, आरती इनपुट बता रही हैं, और आपके विरन, कौशल, पायल, कुष्मा एंड सागर सारे इनपुट आंसर दे रहे हैं मेरे को, कुष्मा आउटपुट दे रही हैं। ओके, इनपुट के नीचे लिखा है तो इनपुट ही है। ऐसा नहीं है यार, देखो गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना वेबकैम जो होता है उसका केवल इनपुट होगा, क्योंकि आउटपुट आपको वेबकैम नहीं देता, आउटपुट कौन देता है, आपको स्क्रीन देती है, इसलिए आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर, ओनली इनपुट होगा। जॉयस्टिक है, ओसीआर है, बीसीआर, ओएमआर, ये सारे के हमारे सारे क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं। प्रोसेस आउटपुट की बात करें हम लोग पहले, तो स्पीकर है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, प्रिंटर है, ये सारे क्या हैं हमारे, आपके आउटपुट डिवाइस हैं। प्रोसेसिंग में आते हैं सर, आपका प्रोसेसर है, रैम है, रोम है, एसएमपीएस है, मदरबोर्ड है, ये सारे हमारे क्या हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस हैं, प्रोसेसिंग करने में आपकी हेल्प करते हैं। और लास्ट बचता है स्टोरेज डिवाइस, जिसमें आपका मैनेट टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, बीआरडी, हार्ड देखो मैनेट यहाँ पे हार्ड डिस्क है आ जाएगा, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क आ जाएगा आपका यहाँ पर, और ऑप्टिकल डिस्क में आपको सीडी है, डीवीडी है, बीआरडी है, ये आ जाएंगे आपके। फ्लैश मेमोरी में आपको क्या मिल जाएगा, जैसे पेन ड्राइव है, ठीक है, मेमोरी कार्ड है, या आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप यहाँ समझ सकते हो कि ये आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं यहाँ पर। अब इसको हम लोग थोड़ा समझें, अगर थोड़ा डिटेल में जाएं, दो जैसा थोड़ा सा इसको समझ लीजिए जरा। ये आपका जब आप इसमें इनपुट देते हैं तो उस पर क्या होता है आपका सर, प्रोसेसिंग होती है सीपीयू से, ठीक है, और उसके बाद क्या मिलता है आपको, आउटपुट मिलता है। तो एक चार कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, आईपीओएस, ये सीक्वेंस पूछा जाता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, ठीक है। यार देखो ध्यान रखना, ये जो क्लास चल रही है ना, उन बच्चों के लिए खास है जो बच्चों ने बस पहले से पढ़ा हुआ है और उसको क्या करना है, बस ब्रीफ में बस एक शार्प माइंड से रिवीजन कर रहे हैं अपना, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं और जो पुराने बच्चे, दोनों को अगर किसी को भी डाउट रहता है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है भाई, पॉइंट क्लियर यहां तक, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो भाई ये तो हमारे, अच्छा इसके अलावा और भी यहाँ पे हमारे इनपुट डिवाइस हैं, ओसीआर है, एमआईसीआर है, बायोमेट्रिक है, डिजिटल स्टाइलस, ये सारे इनपुट डिवाइस हैं आपके, ठीक है। अच्छा एएलयू की फुल फॉर्म पूछी जाती है भाई, तो देखना रखना, एएलयू फुल फॉर्म क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और एमयू मेमोरी यूनिट, ये चार पार्ट होते हैं आपके सीपीयू के, सॉरी तीन पार्ट, ठीक है। तीन पार्ट कौन कौन से, सीपीयू के अंदर एएलयू, सीयू और एमयू, तो मेमोरी यूनिट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। तो देखो यार, कीबोर्ड से क्वेश्चन बन जाता है आपका, और कीबोर्ड से क्वेश्चन क्या क्या बन जाते हैं आपके बता दूं मैं आपको, कि कीबोर्ड से क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली कि आप वो जो हम लोग कीबोर्ड का जो यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड कौन सा है, तो ध्यान रखना क्वालिटी है, क्वालिटी इज द मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड यूज बाय द कंप्यूटर। आज के डेट में जो हम लोग स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं सर, क्वालिटी, ठीक है।
वीरेन सिंह बताओ क्या समझना है आपको, पहले समझ लो इसको, आप फिर समझाएंगे, आपको टेंशन मत लो यार, ठीक है। बस अभी क्या करना है समझो ध्यान से, क्या कह रहा हूँ क्वालिटी की ऊपर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकता है, कि क्वालिटी जो है वो क्या है, मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड है, इसका यूज होता है सबसे ज़्यादा, तो क्वालिटी इज द मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड, ठीक है। दूसरा है इसका फंक्शन की, अब कीबोर्ड में सर आपकी किस क्वेश्चन की पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फंक्शन की क्या है आपका, F1 से लेकर के F12 तक होती है भाई, कौन सी फंक्शन की होती है, F1 F2 F3, ठीक है, F12 तक होती है फंक्शन कीज, ठीक है। फिर है आपकी टॉगल कीज, जिसमें कैप्स लॉक है, नम लॉक है, ये आपकी होती है टॉगल कीज। मॉडिफायर कीज में आपकी कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ये आती हैं, और अल्फा न्यूमेरिक कीज में आपकी A to Z और 0 to 9 आती हैं। तो ये जो हमारी कीज हैं क्या होती हैं भाई, कीबोर्ड पे होती हैं, आप लोगों को मिलती हैं। CPU और इट्स यूनिट, ओके देखो भाई बता दूं मैं आपको, मैं CPU जो है आपका वीरेन, कि CPU एक आपका ऐसा है कि आपको एक CPU का कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, और उसके तीन पार्ट होते हैं, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट और MU मेमोरी यूनिट, ठीक है, जो मैं आपको बता चुका हूँ अभी। CU यहाँ पे ALU का काम क्या होता है, जितने भी आपके अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, उन सबको हैंडल कौन करता है आपका, ALU ही करता है, ठीक है। अगर आप लोगों को ध्यान रखिए बच्चों, अगर आप लोगों को अगर नहीं मिल पा रहा है लिंक PDF का, तो आप एक काम करिएगा, ग्रुप में जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर मेरे को मैसेज करिएगा, ठीक है। तो आप इस नंबर मैसेज करेंगे मेरे को, तो आपको मैं उस ग्रुप में ऐड कर लूँगा, और फिर आपको मैं ये PDF आपको ग्रुप में भेज दूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग। तो ये जो पॉइंट है आपको समझा रहा है मैंने, कि यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, तो मॉडिफायर कीज है, ठीक है, चलिए क्लियर है। अब आता है सर आपका प्रिंटर, एक मिनट, प्रिंटर नीचे आएगा, यहाँ पे क्या है, ये माउस का काम क्या है सर आपका, कीबोर्ड हो गया माउस, तो भाई माउस क्या ही रहा, माउस इज द मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस यूज टूडे फॉर इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग फॉर द, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि माउस का यूज़ जो होता है आपका, वो हम किस लिए करते हैं भाई आपका, ये कह सकते हैं हम लोग कि माउस आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है, और ड्रैग एंड ड्रॉप में इसका यूज़ होता है, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप, कोई भी फाइल आप ड्रैग करते हैं ड्रॉप करते हैं, देखा होगा डेस्कटॉप पर एक फाइल को दूसरी फाइल पर ले जाते हैं आप, तो ड्रैग एंड ड्रॉप किया जाता है, तो वो जो ड्रैग एंड ड्रॉप होता है वो आपका किस होता है, माउस से होता है, और इसको बनाया किसने है आपका, डगलस इंगिलबर्ट ने, याद रखिएगा इट इज़ इन्वेंटेड बाई द डॉक्टर डगलस इंगिलबर्ट ने इसको बनाया है, ठीक है। अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं माउस कौन सा कर रहे हैं सर, ऑप्टिकल माउस यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले हम माउस यूज कौन सा करते थे, मैकेनिकल माउस, जब मैं दिखा दूँ एक बार स्क्रीन पर, पहले हम यूज़ करते थे मैकेनिकल माउस, अभी यूज़ कौन सा करते हैं हम लोग, ऑप्टिकल माउस, जिसमें लेजर बीम निकलती है, और मैकेनिकल माउस में क्या था, नीचे एक वॉल लगी होती थी, जैसे जैसे वॉल मूव करती थी वैसे वैसे आपका कर्सर क्या है, पॉइंटर मूव करता था, ठीक है, याद होगा आप लोगों को। दूसरा है सर आपका इसमें जॉयस्टिक, जॉयस्टिक सर क्या करता है, गेम खेलने का आता है, देखो आपने ये रहा जॉयस्टिक, गेम खेलने काम आता है, मूव करता है, टच स्क्रीन, टच स्क्रीन सर आपका ऐसा इनपुट डिवाइस है, बोथ होता है, इनपुट भी है और आउटपुट भी है, उसी से आप इनपुट दे रहे हैं और उसी से आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, तो टच स्क्रीन क्या है, बोथ होता है आपका, डिस्प्ले दिखाने काम आता है, ठीक है। लाइट पेन की बात करें सर हम लोग, तो लाइट पेन आपका एक इनपुट डिवाइस है भाई ये रहा, ठीक है, और लाइट पेन शेप्ड डिवाइस पेन की तरह होता है, विथ सेंस द लाइट एंड यूज पॉइंट एंड स्पॉइंट वीडियो स्क्रीन, देखो लाइट पेन जैसे अभी मैं इससे काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है आपको, पॉइंट करने का काम आ रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो ये पेन की तरह है ना, पर थोड़ा सा इसका एक्सटेंडेड वर्जन है। और दूसरा देखा जाए सर, दूसरा है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, देखा होगा सर आपने OMR, जो क्या करता है भाई, ऑप्टिकल मार्क रीडर रीड करने का काम आता है किसको आपका, ऑप्टिकल मार्केटर, इट यूज द बीम ऑफ द हाईलाइट रिफ्लेक्टेड, ठीक है, तो कैप्चर रिमूव करता है एब्सेंस ऑफ द मार्क, तो OMR, BCR बार कोड रीडर आता है, ठीक है, OMR जो ऑप्टिकल OMR शीट होती है ना, चुना होगा OMR शीट को रीड करता है आपका, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को होते हैं उनको रीड करने का काम आता है इस तरीके से। MICR सर होता है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, या फिर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जिसका यूज सबसे ज्यादा होता है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है MICR, ध्यान रखिएगा। इसमें आपका MICR क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जिसका यूज हम बैंकिंग सेक्टर में करते हैं चेक को रीड करने के लिए, किसके लिए,
चेक को रीड करने के लिए यूज किया जाता है कौन, MICR। ठीक है भाई, मजा आ रहा है ना यार। हाँ बच्चों बताओ जरा, यहाँ पे जो बच्चे जितने भी मेरा वीडियो देख रहे हैं इस समय, ये जो डिस्कशन हो रहा है उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, या वो चाहते हैं सर MCQ होनी चाहिए अच्छे और तरीके से, तो जो भी आप कहोगे सर हम बहुत शुरू कर सकते हैं, लेकिन आज तो डिस्कस आपका कैप्सूल ही होने वाला है, तो भाई जल्दी से मुझे बताइए कमेंट लिख करके कि हाँ सर सब कुछ क्लियर हो रहा है और समझ समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, इसको आगे कैरी ऑन करते हैं और इसको डिस्कस करिए आप। ठीक है, तो जरूर अपना व्यू दीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा भाई मुझे बच्चों, आप लोग सभी लोग। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो भाई ये हो गया आपका MICR, तो MICR यूज इन बैंकिंग सेक्टर टू चेक द चेक नंबर। नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपका सर इसके अंदर बारकोड रीडर, BCR, ये रहा भाई। ठीक है, बारकोड क्या करता है सर, आपका जो बारकोड होता है उसको रीड करने में काम करता है BCR। देखा होगा आपने बारकोड इस तरीके से होता है आपका, है ना, ऐसे लाइन उत्पन्न होती हैं, है ना, तो उसको रीड करता है कौन आपका, BCR, बारकोड रीडर कहते हैं। दूसरा है OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जो आप अपनी इमेज या कोई डॉक्यूमेंट या कोई पिक्चर को सर आप कन्वर्ट करते हैं वो किससे करते हैं एक्चुअली में, OCR से करते हैं। स्कैनर जो हम लोग एक्चुअली में यूज़ करते हैं कौन सा करते हैं, OCR यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड। कौशल कह रहे हैं सर बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है, थैंक यू कौशल जी। तो पसंद आ रहा है तो भाई क्या करना है भाई, फटाफट से लाइक करना है और शेयर करना है लिंक को यार। ठीक है, फटाफट से चलिए आगे बढ़ते हैं सर। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका एक और क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छा यार आपका, पॉइंट ऑफ सेल, ये रहा पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनेशन। पता क्या है, देखा होगा आपने मॉल में जाते हैं आप लोग, कोई भी आपने सामान खरीदा, मान लो फॉर एग्जांपल आप पीटर्स इंग्लैंड में गए या रिलायंस ट्रेंड में गए, वहाँ से आपने परचेज किया और आपने सीधा बिलिंग कराने के लिए पहुँच गए कहाँ पर, पॉइंट ऑफ सेल के पास, यानी कि जहाँ से जो कंप्यूटर उनके पास होता है, और जैसे ही वो अपना बारकोड लगाते हैं और आपके उसमें जैसे ही बारकोड लगाते ही उनके सिस्टम में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, वो क्या है आपका पॉइंट ऑफ सेल, कहाँ से आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू प्रोसेस कार्ड पेमेंट एंड रिटेल लोकेशन। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। देखो बारकोड सत्य भी बता दूं मैं, बारकोड जो होता है 13 डिजिट का कोड होता है आपका ये। ठीक है, जिसमें हमारे फास्ट जो 3 डिजिट होते हैं वो हमारा कंट्री कोड होता है, जिसमें हमारा जो कंट्री कोड है वो 890 होता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट 5 डिजिट होते हैं हमारे वो हमारा होता है मैन्युफैक्चर कोड जिसने बनाया है, और प्रोडक्ट कोड होता है। इस तरीके से हमारा इसमें आपका डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, तो ये तो थे सर हमारे यहाँ पर इनपुट डिवाइस। अब आते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस में, सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर आउटपुट डिवाइस को प्रिंटर से। ठीक है, तो प्रिंटर कहाँ है भाई देखते हैं ज़रा, ये आपका दिया हुआ है यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल। चलिए, तो मुझे लगता है ये प्रिंटर यहाँ से शुरू हो रहा होगा, ये है आपका। तो भाई देखो प्रिंटर की बात कर रहे हैं, तो प्रिंटर काम क्या होता है भाई आपका, हार्ड कॉपी देता है आपको प्रिंटर, ये रहा प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर यूज टू कन्वर्ट जो सॉफ्ट कॉपी होती है उसको क्या करता है, हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, प्रिंटर क्या करता है आपका हार्ड कॉपी जो सॉफ्ट कॉपी, देखो स्कैनर क्या कर रहा था, स्कैनर की बात करूँ आपसे मैं, तो स्कैनर करता है आपका सॉफ्ट कॉपी को, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, और प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब इसमें आप देखें सर प्रिंटर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट में डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, जो आपके पेज पर इम्पैक्ट डाल के प्रिंटिंग करते हैं। नीचे लिखा हुआ है देखोगे आप तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देर आर टेक्नोलॉजी वाइज प्रिंटर आर टू कैरेक्टराइज इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, तो लिखा हुआ है इम्पैक्ट प्रिंटर क्रिएट इमेज बाय यूजिंग सम मैकेनिज्म बाय फिजिकली प्रेस इंक्ड रिबन अगेंस्ट द पेज कॉजिंग द इंक टू बी डिपॉजिट ऑन द पेज एंड सेव डिजायर्ड। यानी कि सर इसमें इंक जो होती है वो आपकी वो पिन वाइज चलती है इम्पैक्ट में, और वो क्या करता है उसको फिजिकली टच करता है, तो जब उसको फिजिकली टच किया जाता है, ठीक है, तो आपका वहाँ पर देखोगे अगर आप, तो फिजिकली टच जब हो रहा है पेज आपका तो उस पर प्रिंटिंग होती है। जैसे आपने देखा होगा पहले टाइपिंग मशीन यूज़ करते थे हम लोग, आपको याद होगा टाइपिंग मशीन में क्या होता था आपका, जैसे ही आपने बटन प्रेस किया आगे से वहाँ से आपका वो पिन आया और रिबन पर टकराया और करेक्टर प्रिंट हो गया, तो
उससे इंस्पायर्ड हुए हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें आपका DMP आता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, आपका डेजी बिल आता है, आपका लाइन प्रिंटर आता है, ये सारे किसके हैं आपके DMP में आते हैं, मतलब इम्पैक्ट में आते हैं। देखो जरा, डॉट मैट्रिक्स का इसका एग्जाम्पल है, डेजी बिल इसका एग्जाम्पल है, लाइन प्रिंटर इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सारे आपके जो देखा होगा बैंकों में, आप जाते हो तो बैंकों में जो आपकी उस प्रिंटिंग करता है पासबुक को या उसको, तो उसमें कचर कचर की आवाज़ आती है, या रेलवे में जाते हैं टिकट लेने के लिए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे कौन से इम्पैक्ट प्रिंटर, क्योंकि साउंडेबल होते हैं, आवाज़ करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे कौन से होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर। लेकिन वही हम बात कर रहे हैं किसकी? नॉन इम्पैक्ट की। तो देखो इसमें ड्रम प्रिंटर भी आता है हमारा, चिन प्रिंटर भी आता है, किसमें? इम्पैक्ट में। लेकिन अगर हम जाते हैं नॉन इम्पैक्ट में, आते हैं कहाँ है नॉन इम्पैक्ट? ये रहा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं सर आपके? तो भाई लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, ये किसके एग्जाम्पल है हमारे? नॉन इम्पैक्ट के। क्यों है? क्योंकि ये पेज पर इम्पैक्ट नहीं डालते, पेज को टच नहीं करते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं हमारे? इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं, नॉन इम्पैक्ट कौन से हैं, तो ये आपको इसको याद रखना है कि कौन से हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, कौन से नॉन इम्पैक्ट हैं। तो देखो इंकजेट प्रिंटर हमारा है, तो वन और मोर नोजल इन द प्रिंट हेड इमिट स्टीमी स्टीम ऑन द ड्रॉप, ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक आर इलेक्ट्रिकली चार्ज आफ्टर लीविंग द नोजल, तो ड्रॉपलेट आर देन गाइडेड पेपर बाय द इलेक्ट्रिकली, ठीक है। ये हमारे कौन से होते हैं? इंकजेट प्रिंटर, जिसमें आपके दो टाइप की कार्ड्स होती हैं, एक कलरफुल और एक ब्लैक एंड वाइट। लेकिन जो हमारा लेजर प्रिंटर है, इसमें देखोगे आप तो इसमें आपका सर ड्राई इंक का यूज़ होता है, और इसकी प्रिंट क्वालिटी अच्छी होती है, और इसमें जो प्रिंटिंग होती है वो कैसे होती है? PPM के बेसिस पर करता है, पेज पर मिनट। यहाँ पर जो नॉन सॉरी जो इम्पैक्ट प्रिंटर थे हमारे, कौन से जो ऊपर गए इम्पैक्ट प्रिंटर, वो प्रिंटिंग करते हैं किस पर? CPS के बेसिस पर, कैरेक्टर पर सेकेंड, ठीक है। जो डॉट मैट्रिक्स और डिजिबल दोनों प्रिंटर आप कैसे हैं, जो किस पे करते हैं प्रिंटिंग? कैरेक्टर पर सेकेंड, CPS। लेकिन जो हमारा लेजर प्रिंटर है वो कैसे करता है? PPM, यानी पेज पर मिनट। ये बड़ा डिफरेंस होता है भाई, आप समझना, ये जो पॉइंट मैं समझा रहा हूँ ना, ध्यान से समझिएगा। PPM क्या है? पेज पर मिनट है। CPS क्या है? कैरेक्टर पर सेकेंड। और एक प्रिंटर हमारे होते हैं LPM, जो लाइन पर मिनट करते हैं, लाइन प्रिंटर होता है ना इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप, लाइन प्रिंटर, वो कैसे करता है? LPM, लाइन पर मिनट। ये सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं आपको भैया, आपको, और मैं उनको समझा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो सर यहाँ तक आप देखा आपने कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं, नॉन इम्पैक्ट कौन से हैं। अब इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं तो दोबारा समझा देता हूँ, जो पेज पर इम्पैक्ट डाल के प्रिंटिंग कर रहे हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, यानी साउंडेबल हैं। नॉन इम्पैक्ट जो पेज पर इम्पैक्ट नहीं डालते। एग्जाम क्वेश्चन कैसे आएगा बताइए सर? लेजर प्रिंटर इज द एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, या फिर ऐसे हो सकता है बताइए सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पैक्ट प्रिंटर? लेजर, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और थर्मल प्रिंटर। तो भाई क्या आ जाएगा? डॉट मैट्रिक्स। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अब लास्ट बचता है आपको थर्मल प्रिंटर। सर सस्ता होता है और बड़ा ही टिकाऊ होता है। देखा होगा अपने ATM स्लिप लेते हैं आप लोग, उसका पेज देखना कभी भी आप, उसका पेज पर आपको आप पेन चलाओगे ना वैसे उल्टा करके भी, तो भी उस पर लाइन बन जाएगी, मतलब उस पर ऑलरेडी इंक होती है पेज में, बस उसको हीट करना होता है। जैसे वो हीट होता है वो इंक छोड़ता है पेज आपका, इसलिए हम लोग थर्मल प्रिंटर को हीट प्रिंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट प्रिंटर भी कहा जाता है। सस्ता होता है और आफ्टर सम टाइम वो इंक उड़ जाती है, यूज एंड थ्रो वाला कॉन्सेप्ट उसके अंदर होता है। आप रेलवे में टिकट, आप उसमें बस में जाकर टिकट लेते हो, प्रिंट निकल जाता है आपको हाथ में, आ गया भैया लो, तो वह क्या है, किससे प्रिंट हुआ है? थर्मल प्रिंटर। ATM से ले, बस टिकट, इलेक्ट्रिकल बिल आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्मल प्रिंटर। सर किसके एग्जाम्पल है आपके? थर्मल के एग्जाम्पल है। और एक और सर आपका होता है प्लॉटर। प्लॉटर जो है आपका, ये भी हमारा नॉन इम्पैक्ट में आता है, लेकिन वो बड़ी बड़ी प्रिंटिंग करने का काम आता है यार। लार्ज प्रिंटिंग जो होती हैं वो किससे होती हैं आपकी? प्लॉटर से होती हैं। तो ये रहा प्लॉटर। प्लॉटर इज द आउटपुट डिवाइस दैट इंटरप्ट कमांड फ्रॉम द कंप्यूटर मेक ड्रॉइंग ऑन पेपर। जो बड़े बड़े बैनर्स, मैप्स जो होते हैं, वो जो प्रिंट होते हैं वो किससे होते हैं आपके? नॉन आपके प्लॉटर से होते हैं। देखा होगा अपने बड़े बड़े होल्डर्स लगे होते हैं, आपका भी फोटो लगेगा जब PO बन जाएंगे आप, हम लगवाएंगे आपको अड्डा में, अड्डा 247 की इमेज पर सबसे पहले, भैया ये हमारे डेयर टू ड्रीम, हमारा शो आता है ना, देखा होगा आप लोगों ने, है ना, अनिल सर का शो आता है, तो उसमें उन बच्चों को बुलाया जाता है जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, वो अपने यहाँ पर मैं आकर के सक्सेस स्टोरी बताते हैं कि सर हमने इस तरह से मेहनत किया, ठीक है। तो उनको एक चांस मिलता है कि हाँ यार, वो भी सर के साथ में आकर के अपने आप को बैठते हैं, उनके साथ उनका जो है एक इंटरव्यू होता है, तो आपका भी बुधन आ सकता है,
और उनके लिए प्रॉपर हम लोग थंबनेल बनवाते हैं और आपके सामने जो है डालते हैं, तो आपको भी लगता है कि हाँ यार जो है यूट्यूब पर आप भी आ रहे हैं। तो इस तरह से आप चाहते हैं कि आपका वीडियो आपका फोटो लगे कहाँ पर सर? बाय द हेल्प ऑफ प्लॉटर। तो आप तो क्या करना होगा उसके लिए? सिंपल सा एक छोटा सा काम करना है, सिलेक्शन लेना है। ठीक है भाई? हाँ बिल्कुल, सता कह रहे थे होल्डिंग के लिए, बिल्कुल यार वो सही है पॉइंट। वेनर सिंह कह रहे हैं प्लॉटर। ठीक है तो भाई यहाँ तक आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ तक तो कोई डाउट है पूछ सकते हैं सर, जो मैंने अब तक तो आपको कॉन्सेप्ट बताया है, समझाया है, पूछ सकते हैं। और भाई वीडियो पसंद आया तो लाइक करो यार, शेयर करना है। क्या करना है? लाइक एंड शेयर। जब तक आप करते रहोगे सर, बस हम लोग मोटिवेट होते रहते हैं आप लोगों के इसी लाइक एंड शेयर से। ठीक है तो भाई यहाँ तक बताइए मुझे एक बार कैसा लगा आपको। आप तक जो कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, जल्दी पूछे बड़ा मेरे से, जिसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए यहाँ तक। ठीक है बोलो। सत्यवीर कह रहे हैं सर मैं भी आऊँगा एक दिन। सत्यवीर हमें आपका इंतजार रहेगा यार। ठीक है और हम जितने बच्चे यहाँ पे मुझे देख रहे हैं इस समय, मैं उन सब बच्चों को जो है कामना करता हूँ कि सारे बच्चे उनमें मेरे यहाँ पे आएँ, हमसे बिल्कुल मिलें। सारे बच्चों जो हमने यूट्यूब पे देखते हैं वो डायरेक्ट हम लोगों से मिलें सर। उसके लिए बस एक ही काम करना है, एक सिलेक्शन। ठीक है ठीक है सर। तो इसके बाद हम बात करेंगे सर। इसके अंदर आपका आता है पॉइंट मॉनिटर है। मॉनिटर आपका सर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है और आपके डिस्प्ले करने का काम आता है, जिसमें आपके सीआरटी मॉनिटर है, टीएफटी मॉनिटर है, एलसीडी मॉनिटर, ओएलईडी मॉनिटर, एएमओएलईडी मॉनिटर, कई सारे टाइप्स होते हैं मॉनिटर के। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, और ओएलईडी ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, और एएमओएलईडी एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ध्यान रखना मॉनिटर की जो डिस्प्ले जो क्वालिटी है, मेरे किया था इसमें पीपीआई में, मॉनिटर की जो क्वालिटी है स्क्रीन क्वालिटी किसमें किया दी है? पीपीआई यानी पिक्सल पर इंच, पिक्सल पर इंच। और सबसे जो छोटी यूनिट होती है आपकी वो क्या होती है? पिक्सल होती है। पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्क्रीन रिजोल्यूशन। ठीक है हर्ष, SBI SIT क्लासेस का कंटिन्यू करिए। बिल्कुल हर्ष बता दूं मैं आपको, आज आपको 10 बजे क्लास मिलने वाली है SBI SIT की। 10 बजे आपको क्लास कराया जाएगा, जिसमें DBMS का नेक्स्ट पार्ट होगा, जहां से हमने छोड़ा था उससे आगे शुरू होगा। ठीक है तो आप कर सकते हैं आप क्लासेस को। तो बच्चों ये आपका यहाँ पर हो गया DBMS आपका, सॉरी मॉनिटर। ठीक है पिक्सल पर यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, और पिक्सल सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है बच्चों तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे भाई हमारा क्या, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये रिसर्च शुरू हुआ हमारा नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल की क्लास में। कल शाम को 7 बजे हमसे फिर आपसे मिलेंगे इसके आगे का रिसर्च करने के लिए। तो बच्चों ध्यान से सारा वीडियो देखते रहिएगा, और लिंक को लाइक करना है, शेयर करना है, और बने रहना है DAT247 के साथ। एक क्लास आप लोगों के लिए मैं संडे को भी लेके आ रहा हूँ भाई, बड़ी क्लास होगी हमारी वो। ठीक है और उसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे। एक लंबी क्लास भी मैराथन क्लास होगी। ठीक है जिसमें संडे को होने वाली है आपके लिए वो क्लास, मैं उसके लिए प्लान कर रहा हूँ। ठीक है तो आप सारे लोग संडे को आना ना भूलिएगा, और कल तो हम आपसे मिलेंगे आपसे इसी टाइम पर। तो सर बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, मैं राधे, नहीं 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 जिस नाम से आप मेरे को जानते हैं, राधे की रीजनिंग। लगातार 10 साल से मैं रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जिसमें 4 साल से ऑनलाइन लाइव क्लासेस में राधे की रीजनिंग में हजारों बच्चों ने अपनी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग किया और अपने एग्जाम क्लियर किए। तो अब मैं आ रहा हूँ अड्डा 247 पर सुपर एजुकेटर के रूप में राधे की रीजनिंग बैच लेकर। राधे की रीजनिंग सुपर एजुकेटर ऑन अड्डा 247।